ये जो 25 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिंदी से उदयपुर, दिंदी से उदयपुर का ये उसकी पहली वाटर क्रॉसिंग। बहुत स्प्लेंडर जिंदाबाद, ये पहली वाटर क्रॉसिंग है इस रूट की। एक और हुआ करती थी आगे, वो शायद ब्रिज ना बन गया हो, मगर बेस्ट थी वो वाटर क्रॉसिंग इस रूट की। जाके देखता हूँ कि शायद वो ब्रिज बन गया हुआ है, वहां पे सुनने में आया, तो देखते हैं अभी आगे जाके कि आगे वो वाली वाटर क्रॉसिंग मिलती है या नहीं। और ये दिंदी से उदयपुर 24 और 25 किलोमीटर, उदयपुर के आगे हमको प्लेटफॉर्म मिलेगा। फिर चाहे आप लद्दाख की तरफ जाएं या मनाली की तरफ जाएं, वहां से आपको प्लेटफॉर्म। और उदयपुर के बाहर आपको एक और देवस्थान की भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर आप वहाँ पे जाना चाहो। त्रिलोकीनाथ जी का टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है वो उदयपुर का, उदयपुर राजस्थान में भी है, वो नहीं है हिमाचल। अगर आप कभी आए तो वहाँ भी जरूर माथा टेकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, आपको अच्छा लगता है तो जाए, नहीं लगता रुकना चाहिए। मेरे लिए ये इंफॉर्मेशन देना कि यहाँ पे उदयपुर में बहुत फेमस टेम्पल है शिव जी। ये 24 किलोमीटर भी बिल्कुल टोटली ऑफ रोड है, अगर इसमें एक चीज की चेंज है, इन्होंने इसमें कंकरा डाला हुआ। पहले इसमें कंकरा नहीं था, अब कंकरा डाला हुआ है, जिससे थोड़ा बैलेंस हो चुकी है। नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अब अच्छी रहती है, कोई भी गाड़ी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, ग्राउंड क्लियरेंस उसकी अच्छी बनी रहेगी। नहीं तो पहले डर ही रहेगा कि किस टर्न पे किस जगह पे गाड़ी नीचे से लगे। वो चीजें थोड़ी इस ट्रैक पे इन्होंने कंपेयर की हुई है। इस वक्त दिल्ली से मैं 6 किलोमीटर उदयपुर की तरफ
गए पैदल चढ़ाई भी चाड़ने गड्डी नहीं उन्हें गड्डिया नहीं ना दिख तू चढ़ाई है ना तो मोमेंटम बनाइए रखने का। मैडम पीछे से बोल रहे हैं कि आहिस्ता चलिए, तो ये एक स्टीप है, स्टीप में मोमेंटम तो बना के निकलना पड़ता है, इसीलिए आप कम केयर का यूज कर सकते हो। तो उनको लगा कि उतराई थी डाउन था थोड़ा सा, गाड़ी 40 की स्पीड में आ रही थी, तो बोल रहे थे कि गाड़ी तेज चल रही है। मैंने कहा गाड़ी तेज नहीं चल रही, उसमें क्या होता है कि जो आगे की चढ़ाई है वो मेरी इजीली निकल जाएगी, उसमें मुझे ज़्यादा गियर शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक मेरी अपनी टेक्निक है कि मैं इस तरीके से चलाता हूँ, जब उतराई आती है थोड़ा सा मोमेंटम गाड़ी का बढ़ा लेता हूँ, उसमें क्या होता है कि मुझे गियर शिफ्ट कम करने पड़ते हैं। उदयपुर का डिस्टेंस अब यहाँ से 9 किलोमीटर आ गया, 9 किलोमीटर के बाद उदयपुर आ जाएगा। तो लगता है कि वो जो बहुत हार्ड और टफ वाटर क्रॉसिंग थी वो शायद खत्म कर दी है इन्होंने, बहुत प्यारी चीज थी वो, जो ऑफ रोड के शौकीन है वो उस टाइप की वाटर क्रॉसिंग पसंद करते थे, जो पुराने राइडर्स होंगे वो उसको जानते होंगे उस नाले को कि क्या कैसी वाटर क्रॉसिंग है, एक हार्डकोर वाटर क्रॉसिंग थी वो, और मुझे नहीं लगता अब वो ख़त्म हो चुकी है। देखता हूँ शायद आगे ना हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो आगे होगी। तो यहाँ से अब 9 किलोमीटर के आसपास हमारा उदयपुर ऑफ रोड स्ट्रेच मैक्सिमम खत्म होते हुए ये वाटर क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाटर क्रॉसिंग हुआ कंचन, ये वाटर क्रॉसिंग हुई पानी वाली, ये जो पैदल चली थी ये वाटर क्रॉसिंग हुआ करती थी। पुराने राइडर्स इसको जानते होंगे, ये जगह जो गड्डी नहीं वो आज था साढ़े कन्ना वो ही डस्टर ही एक, ये बाइकर्स महाराष्ट्र तमिलनाडु दो के नंबर तो पड़े गए हैं, और तीसरा 23 कुछ BH, चार बाइकर्स हैं आज ही मुझे टिंडी के पास मिले हैं, टिंडी टांडी नहीं टिंडी, किश्तवाड़ के लॉन्ग रोड पर वहां पे मिले हैं ये, वहां से मेरे साथ ही चल रहे हैं ये, अभी साथ में चिनार दरिया बहता हुआ।
और दोस्तों ये वो प्लेस है जिस जगह मैं अपनी फैमिली के साथ बस इसी जगह पे मैंने गाड़ी लगाई हुई थी कहीं पे 4 दिन यहाँ पे रुकना पड़ा था। तब यहाँ पे फ्लड आया था और ये ब्रिज बह गया था, ये ब्रिज बह गया था और ये इस पानी के कारण ये पूरा हिस्सा बह गया था। और 4 दिन हमने यहाँ पे बिताए। उदयपुर से सुबह गाड़ी उसी तरफ रही, उदयपुर चले जाते थे तो सुबह होती थी यहाँ पे आ जाते थे, शाम होती थी उदयपुर वापस चले जाते थे। और ये छोटी छोटी क्लासेस अभी भी है यहाँ। बहुत बढ़िया, 2016 की दोबारा यादें ताजा हो गई। ये और उदयपुर से हमने पैदल आना, ये 5 किलोमीटर घूमते घूमते यहाँ पे आके बैठ जाना, देखना आप भी खुलेगा रास्ता, अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। 4 दिन हमारा यही सिस्टम रहा और 4 दिन के बाद शायद 5वां दिन था जिस दिन हमें शाम को यहाँ से अलाउ किया कि आप अपनी गाड़ी ले जाओ जब रास्ता तैयार है। आज साल के बाद वही मेमोरी बाइक के साथ दोबारा। मेरा आइडिया कि अब जैसे ये गांव से बाहर निकलेंगे वहां से रास्ता ब्लैक टॉप होगा। ये उदयपुर से 5 किलोमीटर पहले का एक गांव है। और दोस्तों यहां से अब 2 किलोमीटर उदयपुर, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, ऑफ रोड खत्म हुआ है। और मुबारक देता हूँ स्प्लेंडर को और अपने स्प्लेंडर के साथ अपने सहयोगी को जिसने इस बाइक पे ये अपना किश्तवाड़ केलांग ट्रैक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।